हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस, आप लोगों को पता ही, गाइस कल मैच था बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और गाइस इंडिया ने क्या कमबैक किया है। तो गाइस, बिना किसी देर करके गाइस चलो गाइस फटाक से चलते गाइस रिएक्शन वीडियो पे, ठीक है। तो गाइस उमर भाई का गाइस चलो गाइस क्या रिएक्ट है गाइस, ठीक है, हारने के बाद। लेट्स सी गाइस, चलो हम लोग भी लेट्स सी, मजा लेते हैं। हार जाएंगे, इनका कभी नहीं जीत पाएगा टीम इंडिया से। मिड इनिंग्स में मैं बता के गया था कि ये नहीं जीत पाएंगे टीम इंडिया से। उमर भाई ने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई 9 तारीख को हार रहे हैं भाई पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान का बाप है, बाप बाप हमेशा अपने बेटे को मौका देता है, लेकिन अगर वो मौके को अवेल ना कर सके तो वो घंटे में बैठा देते हैं पकड़ के। पाकिस्तान का घंटा बजा दिया आज इंडिया ने पकड़ के। उन्होंने इनको बता दिया कि आप हमारे अल पिछड़ो आके, ये मेरे घंटे का किंग, ये मेरे घंटे का किंग, ये बाबर आजम मेरे अल पे बैठने वाला, ये मेरे एल का किंग, ये घंटे का किंग, ये बोबजी, ये घंटा, ये क्या कर रहा है, क्या रन किए बाबर आजम ने, बाबर आजम ने क्या रन किए मुझे कोई बता दो ना, क्या करके गया ये बंदा। 120 आप नहीं बना सके, 120 पे आपकी टांगे खुल गई हैं, 120 पे आपको पांव पड़ गए हैं। शर्म कर लो, हया कर लो। हमने उम्मीद लगा ली थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन आपने हमारे साथ वो किया जो हम डिजर्व नहीं थे करते। आपने हमारा मजाक बनाया, हमारा मजाक बनाया आपने पकड़ के, आपने पाकिस्तानी लोगों का मजाक बनाया पकड़ के। हमें पहले उम्मीद दी है, उसके बाद हमारी उम्मीद तोड़ी है आपने। हमें पहले बताया कि हम जीतेंगे, उसके बाद हमारा मजाक बनाया आप लोगों ने। बाबर घंटे के बच्चे निकल जा टीम से, अब टीम से निकल जा, ओ टीम से निकल जा, टीम से निकल जा मेरे घंटे के किंग। मैं बॉलर्स को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बॉलर्स को कुछ नहीं बोलूंगा, बॉलर्स को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बॉलर्स को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो अपने घंटे के टीम को बोलूंगा। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का, मेरे एल का, मेरे छंकने का किंग, तू क्या करता है, तू क्या करता है यार, तूने हरवा दिया पाकिस्तान को, हरवा दिया पाकिस्तान को, हरवा दिया। आज जीता हुआ मैच हम हार गए हैं, जीता हुआ मैच हम लोग हार गए हैं, जीता हुआ मैच हम लोग हार गए हैं यार, हम लोग हार गए हैं जीता हुआ मैच। हमारी इज्जत के जनाजे निकल गए हैं, और बुल्लर लिपस्टिक मौलवी एक्टर कोटू रिजवान, और तूने 44 बालों पे अपने लिए 31 रन किए हैं। अगर तूने पाकिस्तान का सोचा होता, अगर तूने पाकिस्तान का सोचा होता आज हम मैच जीत जाते, आज हम मैच जीत जाते। हार गया पाकिस्तान, मैंने मिड इनिंग्स में आपको बोला था मुझे इन पे यकीन नहीं है, मैं नहीं करता इन पे यकीन, मुझे इन पे नहीं है यार, मैं नहीं करता इन पे यकीन। बात दिल से बोल रहा है भाई, ये फारग टीम है, ये फारग टीम है, इन पे नहीं यकीन करना। ये हरवा देंगे आपको, ये आपको हरवा देंगे। इस टीम पे यकीन नहीं करना, इस टीम पे यकीन नहीं करना, ये टीम आपको हरवाएगी। इस टीम पे यकीन नहीं कर रहा, ये टीम आपको हरवाएगी। इस टीम ने आज फिर हमें हरवा दिया, हमारी इसके जनाजे निकल गए हैं, हमारा मजाक बनवा दिया आज, हमारा मजाक बनवा दिया आज इन्होंने, हमारे साथ खेला इन्होंने आज। अरे उमर भाई, उमर भाई आप चिल मारो भाई, इतना प्रेशर लेने का जरूरत नहीं भाई, चिल मारो भाई। आपको तो पहले से ही पता था कि भाई हम हारने वाले भाई, फिर भी भाई तुम दिल लगा के बैठे भाई, चिल मारो यार, थोड़ा रिलैक्स करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, अपना खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो भाई आप, चिल मारो भाई, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा आराम से भाई, इतना हाइपर होने का ज़रूरत नहीं है, अपना हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप अपना हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है गाइज़, देखो गाइज सच्ची बोलो ना भाई, पाकिस्तान का बॉलिंग वन साइड था भाई, हम लोग इंडियन लोग खेल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये पीच ऐसा था कि भाई कुछ समझ रहा ही नहीं था कि भाई कितना बाउंस हो रहा है,
तो ये अनबिलीवेबल था गाइस, अगर हम लोग ने 130-140 रन बना देता ना तो भाई पाकिस्तान की मतलब हम लोग को फुल चांस था जीतने का भाई। हम लोग ने खुद उम्मीद छोड़ दिया था भाई, क्योंकि 70 पे दो विकेट था, पाकिस्तान का 80 पे दो विकेट था, आई गेस 80 पे दो विकेट था, पर लेकिन क्या कमबैक किया भाई इंडिया के बॉलर्स। हैट्स ऑफ भाई बुमराह, सिराज, अर्शदीप भाई सब लोग ने भाई, हार्दिक पांड्या भाई सब बेस्ट भाई, अक्षर पटेल भाई क्या बॉलिंग किया था भाई, उसने एक रन दिया था भाई, क्या ही डॉट एंड डॉट डॉट एंड कुछ समझ रहा नहीं था पाकिस्तान बैट्समैन को भाई, मजा आ गया भाई। डॉट भाई फुल टॉस बॉल नहीं मार पा रहे थे, फुल टॉस भाई क्या बोलूँ भाई, मतलब फुल टॉस बॉल। तो गाइस वन साइडेड मैच हो गया था भाई, लास्ट जो सेकेंड इनिंग है ना भाई एकदम मजा ही आ गया भाई। एक सौ बीस रन नहीं आप लोग बना सके। अरे उमर भाई जी, और मैं क्या बोलूं इस पे अब, 100 पता चल गया हमारा बाप कौन है, चल गया पता कौन है बाप आपका, कौन है बाप, इंडिया बाप है पाकिस्तान का, बोलो बाप है हमारा, हमारा बाप है इंडिया, बोलो इंडिया हमारा बाप है, बोलो इंडिया पाकिस्तान का बाप है, बोलो 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 चैट में बोलो। अरे उमर भाई देखो भाई बेचारा, यार मैंने उम्मीद लगा ली हुई थी इनसे कि ये जीत जाएंगे लेकिन ये नहीं जीते, ये नहीं जीते, इन्होंने हमारे साथ प्रैंक किया है, इन्होंने हमारे साथ भाई ये कैसा प्रैंक हुआ पता है क्या भाई, आप निवाला खा रहे हो खाने का ठीक है, आपके निवाले से भाई छीन के खा लिया भाई। मेरा घंटे का खेल, तू क्यों नहीं करता कुछ और मेरे घंटे के किंग तू क्यों नहीं करता कुछ। अरे आज तो पाकिस्तान को जितवा सकता था ना, आज तो 120 रन थे, तेरे मतलब की पिच थी, तेरे मतलब की बैटिंग थी, आज तू 40 पे 40 भी करता तो काम चल जाना था, आज तू 40 पे 40 भी करता तो काम चल जाना था, टॉस भी जीता फिर भी हारा, हम लोग हार गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, इंडिया ने पकड़ के मोए मोए कर दिया हमारे साथ मोए मोए हो गया। भाई बुरा तो भाई पता, जब लास्ट बॉल खेल रहा था ठीक है, नसीम शाह भाई रो दिया भाई ठीक है, वो डिजर्व नहीं करता भाई, क्योंकि ये ऊपर के जो बैट्समैन है ना भाई सब करप्ट है भाई, वो रियल बॉलिंग भाई जो दिल से भाई बॉलिंग करता है भाई नसीम शाह के लिए गाइस, सच में यार मुझे खुद को बुरा लगा भाई, वो बंदा रो दिया यार वो। और मैं किसकी बात करूं, हम यूएसए से हारे थे, इंडिया से जीता हुआ मैच हार गया। अब बाप है आपके, इंडिया वाले बाप हैं आपके, और रिजवान कोडू निकल पाए रे, क्यों नहीं तू पाकिस्तान को जितवा के गया, तू अपने रन करके गया है, तू अपने लिए खेल के गया है, अपने लिए तू खेला है, अपने लिए भाई 44 बॉल 33 रन बनाया ठीक है, 44 बॉल 33, अगर भाई वो बॉल टू बॉल भी खेलता 10 बॉल बच जाता ठीक है, 10 बॉल 10 रन भाई इजी बनता था भाई, उतना प्रेशर लेके खेल रहा है भाई, खेलो ही मत भाई, आउट हो जाओ। का नहीं सोचा, इंडिया आपका बाप है, इंडिया ने पढ़ के बजा दिया आपको। और आप लोगों को पता है गाइस ठीक है, क्या नाम है भाई वो चाचा का, चाचा इफ्तिकार, तो इफ्तिकार अगर गाइस देखो वो आते ही मारता नहीं, वो आते ही 4 से 5 बॉल या फिर 10 बॉल गाइस वो लेता है ठीक है, कम से कम 7-8 बॉल तो वो देखता है भाई पिच कैसा कैसा, बाद में फिर वो तोड़ता है ठीक है, तब तक बहुत लेट हो गया भाई, तब तक पूरा गेम का भाई आज के टाइम पे भाई मतलब मेरे को लगता है ना भाई पावर हिटर की जरूरत थी भाई, आजम खान आज आपकी जरूरत थी भाई, पाकिस्तान को आज के दिन ही निकाल दिया भाई, वो मंगता रहेगा, वो बेस्ट था कि वो एक बॉल पे आउट होकर चला जाता था, वो परवरता था पर, लेकिन भाई आपकी क्रिकेट बंद हो गई, आपके क्रिकेट का जनाजा उठ गया आज, बुमराह ने बता दिया
मैं शहीन को, अमर को, नसीम को अपने अल पे रखता हूँ। ये जसप्रीत बुमराह ने आज आपको बताया, करेक्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। उन लोगों को उन्होंने रात को खुशी दी है, हारा हुआ मैच वो जीते आपसे, आप जीता हुआ मैच इंडिया से हारे हो। उम्र घंटे का किंग किधर गया, मेरे घंटे का किंग किधर गया मुझे बताओ, मेरा दिमाग फट रहा है, मुझे मेरा दिमाग फट रहा है यार। हम लोग, हमें 10 ओवरों में 63 रन चाहिए थे और हम लोग वो मैच जीत सकते थे, इजी। रिजवान अपने लिए खेल के गया, एंड पे जब बुमराह ने डेथ बॉलिंग की है, मान गया हूं भाई तुझे, वर्ल्ड क्लास बॉलर है तू, मैं मानता हूं तुझे। मैं दो बंदों से बात करूंगा सिर्फ, बुल्लर लिपस्टिक मौलवी और मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मुझे घंटे का किंग। सो गाइस, देखो गाइस, ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा है, ठीक है गाइस, अगर आप लोग को इसका पूरा वीडियो देखना है गाइस, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा गाइस, आप लोग जाके देखो, ठीक है। और मेरे पर्सपेक्टिव से गाइस, ठीक है, व्हाट अ इवनिंग, व्हाट अ बॉलिंग कमबैक गाइस, ठीक है, मतलब हम लोग को डिजर्व करते हैं गाइस वर्ल्ड कप जितना भाई। अगर हम लोग यहाँ ये लेवल तक अगर हम लोग मतलब इतना कम स्कोर पे हम लोग डिफेंड कर दिए तो भाई T20 वर्ल्ड कप ये जितना हम लोग का भाई हक है भाई, सच में बोल रहा हूँ। पाकिस्तान जैसी भाई एकदम, मतलब पाकिस्तान तो भाई जानते, बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा है, बैटिंग लाइनअप तो भाई थर्ड क्लास है भाई, मतलब कुछ मतलब ही नहीं भाई। ऊपर के जो मेरे को समझ रहा है, फ़कर जमान को भाई नीचे थर्ड नंबर पे क्यों उतार रहे भाई, थर्ड पे क्यों उतार रहे भाई, ओपनर है भाई बंदा, लेट इट बी गाइज, उनका PCB भाई, उनका मैनेजमेंट वो जानता है गाइज, ठीक है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छा लगा रहेगा गाइज, ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो गाइज मेक श्योर गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और घंटा दबा देना घंटा। तो गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी गाइज, थैंक यू सो मच।